हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डी एक्सप्लेन। हमारा टॉपिक है, सेम टॉपिक है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। लास्ट वीडियो में हमने बैलेंस किया था इक्वेशन को, लेकिन बहुत ही छुटपुट सी इक्वेशन थी वो, ठीक है। तो थोड़ा सा हम कनेक्ट करते हुए पीछे से आपको आगे की तरफ ले जाएंगे। आज हम थोड़ी सी टिपिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, बैलेंसिंग करना सीखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं अपनी ट्रिक जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी अप्लाई की थी। ट्रिक लिखते हैं अपनी ट्रिक्स को। नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या था, सी सी एल एंड देन देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये थी पोटेशियम। कैसी थी हमारी लास्ट वीडियो में, हमने कुछ किस टाइप के छुटपुट इक्वेशंस को सॉल्व किया था, एक आपको बताते हैं। डिफरेंट है E3O4 प्लस H2, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ छुटपुट सी इक्वेशन, कैसे सॉल्व करना था। इसमें हमारा दे रखा है मेटल, मेटल कितना है, या 1 है या 3 है, 3 से मल्टीप्लाई किया, ओके। देन क्या करते हैं हम, फिर उसके बाद हम करते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल हमारी इक्वेशन में कहीं दे नहीं रखा है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन हमारा कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। देन हम जाते हैं किस पर, मेटल पर। हम कुछ भी बैलेंस यहाँ करेंगे उसके डायरेक्ट बाद हम मेटल पे जाके चेक करेंगे कि हमारा क्या बैलेंस और क्या नहीं है। मेटल पे गए, 3 बैलेंस। देन ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ ये भी बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन है 8 है, तो हम यहाँ 4 चेक कर देंगे, हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा बैलेंस एंड पूरी इक्वेशन जो है हो जाएगी बैलेंस। हम बात करते हैं अपनी आज की वीडियो, आज की इक्वेशन को, इक्वेशंस पर जो हम आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारी C2H6 प्लस O2 इक्वल Fe2O3 SO2, ठीक है। बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, हमारा क्या क्या दे रखा है इसमें। CO2 होना चाहिए, यह है हमारा CO2 प्लस H2O, तो यह है हमारी इक्वेशन, ठीक है। क्या क्या दे रखा है इसमें, हमें सिर्फ नॉन मेटल दे रखा है, इसमें मेटल नहीं दे रखा है, तो बैलेंस किससे करेंगे हम, नॉन मेटल से। नॉन मेटल यहाँ कितना है, यहाँ पर 2 नॉन मेटल है और यहाँ पर 1 नॉन मेटल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। अगर हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या हो गया, नॉन मेटल हमारा हो जाता है बैलेंस। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन हमारा कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर हमारा है 1 ऑक्सीजन, तो ये टोटल कितना हो जाता है, 5 ऑक्सीजन हो जाता है हमारा, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑक्सीजन करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे को सॉल्व करने की कंडीशन होती है, वो कंडीशन के बारे में हम जानते हैं, हमने 5 हमने कर दिया 2 से, ठीक। अब आप बोलोगे ये तो देखने में अच्छी भी
देखो ऐसे सॉल्व करना है इसको। हम क्या करेंगे को हम क्या कर देंगे टू से मल्टीप्लाई, फिर जब होल टू मल्टीप्लाई कर टू ए टू एच ओके टू ये कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे बचता है फाइव ओ टू, ये हो जाएगा फोर सी ओ टू हो जाता है टू ओ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फिर से बैलेंस करनी है कहाँ से नौ से, ठीक है। ये कितना है, ये है देन ये फोर है ओके नॉन मेट नॉन बैलेंस कितना है, ऑक्सीजन हमारा टेन है देन ये कितना हो गया एट हो गया देन ये कितना हो गया टेन हो गया। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया हमारा। अब हमारी बात आती है हाइड्रोजन पर, तो हाइड्रोजन बैलेंस है हमारा या नहीं है ये हमें देखना है। ये कितना है हमारा, ये हमारा 12 है, ठीक है। ये कितना है हमारा हाइड्रोजन, इधर कितना है, इधर हमारा हाइड्रोजन सिर्फ कितना है 4 है, काफी डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस करना है किसको, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे, हम हाइड्रोजन को एक ही कंडीशन से बैलेंस कर सकते हैं, वो कैसे चेक करते हैं। पहले हम नॉन मेटल को चेक करेंगे, नॉन मेटल कितना है 4 है, ठीक है। नॉन मेटल इधर भी हमारा 4 है, देन ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 10 है ऑक्सीजन और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन और देन 2 ये भी हमारा कितना हो गया 10 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन हमारा गड़बड़ रहा था, कितना हो रहा था, यहाँ 4 था और यहाँ पे कितना हो गया था 12 हो गया था। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं के साथ ये है हमारा 12 है ना, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 6 के साथ। जहां आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। अब हम फिर से चेक करते हैं नॉन मेटल को, नॉन मेटल 4 है, नॉन मेटल 4 है, नॉन मेटल ओके है, देन ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है, कितना हो गया यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया 3 हमारा ऑक्सीजन हो जाता है। बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो कितना है 12 हो गया यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन तो कितना हो बैलेंस हो गया। बात करते हैं हम, लेकिन हमारा ऑक्सीजन का हम देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है हमारा, यहाँ 6 यहाँ 14 है यहाँ पर 10 है। तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 से, 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 14 है। बैलेंस करेंगे किसको, लास्ट किसको करते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कितना है 12 है, 12 है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो बैलेंस इक्वेशन है वो हो गई बैलेंस, ठीक है, बैलेंस हो गई इक्वेशन। देन हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे, इक्वेशन है हमारी सेकेंड इक्वेशन FeS2 प्लस O2 देन O3 प्लस SO2, ठीक है। तो ये है हमारी इक्वेशन FeS2O2 Fe2O3 SO2, ठीक है। बैलेंस करते हैं अपनी इक्वेशन को, हम लोग क्या देखते हैं, नॉन मेटल हमें मेटल है, इक्वेशन में हमें चीजें हैं, पहले हमें
डिवाइड्स करेंगे। यहाँ पर 2 है तो अभी 2 कर लेंगे, ठीक है, हमें को बैलेंस करना है। देन हम आते हैं नॉन मेटल कितना है, यहाँ पर 2 है और ये हमारा हो जाता है 4 नॉन मेटल। देन कितना है 1, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसे कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो हो गया हमारा नॉन मेटल आता है बैलेंस, ठीक है। अब आते फिर से हम लोग किसी को हम बैलेंस मेटल को नॉन मेटल को ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन, तो सबसे करते हैं से जाकर फिर से हम मेटल ऑक्सीजन को चेक करते हैं, इक्वेशन होता है तब हम कहते हैं इक्वेशन बैलेंस हो, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं मेटल को मेटल 2 है ओके, नॉन मेटल एस 4 है ओके, अभी तक ओके है। देन अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, ऑक्सीजन है यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 8 ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया हमारा 8 ऑक्सीजन हो गया, ठीक। तो ये हमारा हो जाता है 11 ऑक्सीजन, ठीक। इधर हमारा कितना है, इधर हमारा 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हम एक ट्रिक अपनाएंगे, क्या ट्रिक है हमारी, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में लास्ट इक्वेशन में किया है वही ट्रिक है हमारी, ये 11 है तो 11 तो हम इसको सेट कर नहीं सकते ऐसे, तो हम ये करेंगे फिर से हम क्या करेंगे होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, देन फिर क्या होगा 4 एफ ई एस 2 प्लस 11 ओ 2 देन 2 एफ ई 2O3 प्लस 8 SO2, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है इक्वेशन। देन हम देखते हैं फिर से स्टार्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हैं इन इक्वेशन में, कहाँ का बैलेंस है कहाँ बैलेंस इसमें नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर से, ये कितना है मेटल है, मेटल कितना है 4 मेटल है यहाँ पर 4 मेटल है ओके, मेटल इज बैलेंस्ड। देन हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल कितना है यहाँ पर, नॉन मेटल है यहाँ पर 8, तो नॉन मेटल हमारा यहाँ पर है 8, तो नॉन मेटल भी हमारा हो गया बैलेंस। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमारा कितना है यहाँ पर, हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा 22, ठीक है, यहाँ पर हमारा 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन हो जाता है 16, ठीक है। तो हमारा टोटल जो बैलेंस जो टोटल हमारा होगा तो वो कितना हो जाएगा 22 ऑक्सीजन हो जाएगा करीब, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया ऑक्सीजन जो है वो हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात हम आते हैं हाइड्रोजन पे जो कि हमारा है ही नहीं इसमें, तो हमारी ये इक्वेशन क्या हुई, ये वाली पूरी जो इक्वेशन हमारी है वो कितनी हो गई, वो हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की एंड लास्ट इक्वेशन की जो है हमारी, एस प्लस एच एन ओ 3 S2SO4 plus NO2 plus S2O, ठीक है। तो ये है हमारी इक्वेशन, बात करते हैं इस पर, तो इसमें क्या क्या दे रखा है हमें, ये है हमारा नॉन मेटल, देन ये है हमारा नॉन मेटल, तो हमारा इसमें क्या दे रखा है, इसमें मेटल हमारे इस इक्वेशन में मेटल को नहीं दे रखा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है नॉन मेटल को दे रखा है। तो बैलेंस करते हैं हम अपनी नॉन मेटल को, नॉन मेटल 1 1 ओके, देन नाइट्रोजन 1 सॉरी, तो ये कितना हो गया 1 और 1, ठीक है।
तो S और N जो क्या है वो हमारे अभी तक बैलेंस है। देन बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो इधर है हमारा 3 ऑक्सीजन, इधर है हमारा 4 ऑक्सीजन, और इधर है हमारा 2 ऑक्सीजन, और इधर है हमारा 1 ऑक्सीजन। तो ये कितना बनता है, ये हमारा पोर्शन होता है 7 ऑक्सीजन का, एंड ये है हमारा 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो इससे कम रहेगा। अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 ऑक्सीजन हो जाएगा। देन यहाँ पर कितना है, 7 ऑक्सीजन। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अगर एक साइड कम है और एक साइड ज्यादा हो गया हमारा तो हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसको हम बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, अब हम फिर से चेक करते हैं, जब हमने ऑक्सीजन को चेक बैलेंस कर दिया उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, मेटल पर। ठीक है, मेटल को फिर से चेक करेंगे, मेटल कितना हो गया, एस एस, ठीक है, 1। देन बात करते हैं एन की, तो एन यहाँ पर 3 हो चुका है अब, और यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, हम 3 से फिर से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को चेक करेंगे, तो ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 9 ऑक्सीजन हो गया। देन यहाँ पर कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया। देन यहाँ पर कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया। देन हमारा यहाँ पर हो गया 1 ऑक्सीजन। फिर से क्या हुआ, ऑक्सीजन में क्या हुआ, बढ़ोतरी आ गई भाई, फिर से ऑक्सीजन बढ़ गया हमारा। ठीक, ये कितना हो गया, ये हमारा हो जाता है 10, ये हो गया 11 ऑक्सीजन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 11 ऑक्सीजन जब हमारा हो गया, जब हमारा यहाँ पे 11 ऑक्सीजन हो गया तो क्या करेंगे, हम फिर से बैलेंस करेंगे, किसको किसको बैलेंस करेंगे, हम फिर से ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे। लेकिन 11 जब आएगा तो फिर यहाँ पे 33 हो जाएगा, वो फिर से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसे बैलेंस करते रहे, तो हम 3 को हमने ट्राई कर लिया, फिर हम 4 को ट्राई करेंगे, 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा। 4 से अगर हम यहाँ पे ट्राई करेंगे तो 4 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 11 है, फिर से एक बढ़ जाएगा। ठीक है, देन हम फिर अगर हम 4 से यहाँ पे ट्राई करते हैं, चलो हम 4 से ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे, तो कितना हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, फिर से हम चेक करते हैं किसको, मेटल को। ठीक है, इधर से एक बढ़ गया ना, फिर से हम किसको चेक करते हैं, मेटल को, एस, अभी तक एस ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं एन की, तो एन यहाँ पर हो गया कितना, 4 एन है। ठीक है, अब देन यहाँ पर है हमारा 3 एन, तो भाई 1 एन भी हमारा कम हो चुका है उधर। ठीक है, हमारा 1 एन हो चुका है। देन इसको यहाँ पर हो गया 3 एन है और यहाँ पर 4 एन। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, ठीक, यहाँ पर हमने 4 कर लिया। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन हमारा कितना हो जाता है, यहाँ 12 ऑक्सीजन हमारा हो गया। देन यहाँ पर ही हमारा 11 ऑक्सीजन को 11 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, 11 ऑक्सीजन हो गया। देन फिर हम चेक करते हैं एस हमारा ठीक है, एन कितना है, एन हमारा 4 हो गया। देन एन हमारा 4 हो गया। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं ओ को, तो ये 12 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, फिर ये 8 हो गया, 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर ये कितना हो गया, 1 हो गया। ये तो इसमें तो फिर से हमारी चेंजिंग आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही हम जब इसको सॉल्व करते जाएंगे, तो हम जब हम इसको कई बार ऐसे सॉल्व करेंगे, बार बार हम बैलेंस करते रहेंगे इसको, तो एक टाइम पर जब हम बैलेंसिंग करेंगे इसकी, तो कितना आना, क्या आएगा, बहुत टाइम हो जाएगा। हम इसको 2 4 बार बैलेंस करेंगे, कभी 3 रखेंगे, कभी 4 रखेंगे, कभी 5 5 रखेंगे, तो लास्ट में हम किससे बैलेंस कर पाएंगे इसको, 6 से कैसे कर पाएंगे, 6 से क्या बैलेंस कैसे कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर अगर हमने 6 से इसको बैलेंस किया, ठीक है, और यहाँ पर भी इसको 6 से बैलेंस किया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा एस है वो इतना हमारा एस एस का एस रहा, वन वन एस वन एस। ठीक है, एन हमारा कितना है, 6 है, तो हमारे यहाँ पे 6 कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ये कितना हो जाता है, 18। ठीक, अब हम इधर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो इधर कितना है, 4 है,
प्लस कितना हो गया 12 हो गया, प्लस कितना हो गया 1 हो गया, ठीक। 4 ऑक्सीजन एंड 1 ऑक्सीजन, तो ये कितना हो जाता है हमारा, ये कितना हमारा हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा मेटल कितना है, मेटल 1 है, मेटल 1 है, ठीक है। एस हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। देन हमने चेक किया हमारा एन कितना है, एन कितना है, ये 6N है, ठीक है, तो ये 6N हो गया, ठीक। तो ये भी अब हमने चेक किया हमारा ओ कितना है, ओ हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, 18 हो गया हमारा, ये भी कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। कैसे, अगर हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 18 हो जाओ ऑक्सीजन हो जाता है हमारा, ठीक है। आई थिंक नीचे काफी लिख रहा है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे से। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया, देन यहाँ पर कितना हो गया, 2 यहाँ पर हो गया, हाँ 4 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब हमारा जो हाइड्रोजन है लास्ट में हम किसको काउंट करते हैं, हाइड्रोजन 6 है, देन यहाँ पर हमारा 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हो गया, तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो भी हमारा कितना हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हमारा हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस, एस 1 ओके, देन एन 6 6, ओ कितना हो गया 18, और 18 हो गया 4 12 2, तो कितना हो गया, ये भी हो गया, इधर इधर भी, ठीक है। बात करते हैं रन की, तो इधर है हो गया हमारा जो है वो भी हमारा क्या है, बैलेंस हो गया। तो ये छुटपुट सी इक्वेशंस, ठीक है, जो कि हमने इस तरह से सॉल्व की थी कि मल्टीप्लाई इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो थी जहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता है, यही वाली जो लास्ट जो थी हमें कभी 3 4 5 6 को आना पड़ा इक्वेशन को सॉल्व करते करते, क्योंकि इसमें कई सारे स्टेप्स आपको करने पड़े, तो ये जो इक्वेशन थी वो काफी डिफरेंट थी, ठीक है। तो बैलेंसिंग समझ में आई होगी, नॉर्मल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है और थोड़ी टिपिकल इक्वेशन है उनको कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, गुड बाय।